हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओपन डेल्टा और वीपी कनेक्शन। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज वीपी कनेक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, कंस्ट्रक्शन डायग्राम एंड इट्स फुल कैलकुलेशन। ओके फ्रेंड्स, सो व्हाट इज ओपन डेल्टा और वीपी कनेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल we also know that in transformer four type of connection are used, that is delta delta connection, star star connection, star delta connection, delta star connection. Okay, so in delta connection, delta delta system, if one transformer of a delta delta system is damaged or accidentally opened, the system will continue to supply three phase power. If this defective transformer is disconnected and removed, the remaining two transformers continue to function as a three-phase bank with rating reduced to about 58% of that of the original delta delta bank. This is known as open delta or VV system. तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जब हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करते हैं, डेल्टा टू डेल्टा, ठीक है, प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी भी डेल्टा में करते हैं कनेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर को डेल्टा डेल्टा सिस्टम में कनेक्ट किया अपन ने और एक्सीडेंटली क्या हुआ कि वो डैमेज हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया मतलब उसमें कुछ खराबी आ गई किसी एक में, ठीक है, तो द सिस्टम विल कंटिन्यू टू सप्लाई थ्री फेज पावर। तो उसमें फिर भी क्या होता है, वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाए, ठीक है, उसमें कोई खराबी आ जाए, तो भी वो क्या करता है, थ्री फेज पावर सप्लाई करता रहता है, ठीक है। तो इन दिस डिफेक्ट, इफ दिस डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्टेड, जो इसमें अपन क्या करते हैं, अगर उस डिस्कनेक्ट ट्रांसफार्मर जिसमें डिफेक्ट आया है, ठीक है, जो डैमेज हुआ है, तो उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या, जो रिमेनिंग टू ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो कनेक्शन है वो वर्क करता है जैसे थ्री फेज सिस्टम है, तो उसमें तीन अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, बैंक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर बैंक का, तो उसमें ये पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अगर उसमें अपन क्या कर रहे हैं, जो डैमेज ट्रांसफार्मर है उसको रिमूव भी करते हैं, तो उसमें क्या हो, जो रिमेनिंग टू ट्रांसफार्मर वो कंटिन्यू करते रहते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एज अ फंक्शन थ्री फेज बैंक विद रेटिंग रिड्यूस्ड रेटिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, अपन जैसे एक ट्रांसफार्मर को रिमूव कर दिया, तो जो बचे हुए दो ट्रांसफार्मर वो क्या करते हैं, फिर भी वो थ्री फेज सप्लाई कंटिन्यू देते जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, विद रिड्यूस्ड रेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, उसमें क्या होता है, लेकिन जो उसकी रेटिंग है, अब क्या है, तीन ट्रांसफार्मर थी तो उसकी रेटिंग ज़्यादा थी, लेकिन हम दो बचे और दो ट्रांसफार्मर वर्क कर रहे हैं सर थ्री फेज की तरह, ठीक है, थ्री फेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन होने कितने थे, तीन ट्रांसफार्मर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर बचे और वही क्या कर रहे हैं, थ्री फेज हमें सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रेटिंग जो उसकी होगी रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो टू कहाँ तक रिड्यूस्ड होगी, अबाउट 58% तक उसकी रेटिंग जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, ऑफ दैट ऑफ द एट दैट ऑफ द ओरिजिनल डेल्टा डेल्टा बैंक, ठीक है, जितने की डेल्टा डेल्टा बैंक की जितनी ओरिजिनल रेटिंग थी, ठीक है, उससे 58% तक रिड्यूस्ड रेटिंग पर हमें क्या है, वो दो रिमेनिंग ट्रांसफार्मर थ्री पे सप्लाई देते रहेंगे, ठीक है, अबाउट 58% रिड्यूस्ड रेटिंग, ठीक है, ओरिजिनल की। तो इसे हम बोलते हैं ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन। सो इन ओपन डेल्टा सिस्टम, टू इंस्टीड ऑफ थ्री फेज टू इंस्टीड ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर यूज फॉर थ्री फेज ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, ओपन डेल्टा में क्या होता है, दो ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ठीक है, वो यूज होते हैं तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जगह थ्री फेज ऑपरेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ओपन डेल्टा कब होगा, जब एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, ठीक है, तभी तो ओपन डेल्टा बचेगा, ठीक है। तो इसमें जब ओपन डेल्टा सिस्टम में क्या होता है, केवल टू ट्रांसफार्मर होते हैं इंस्टीड ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, क्योंकि तीन ट्रांसफार्मर थी, एक ट्रांसफार्मर डिफेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसको रिमूव कर दिया, तो बचा ओपन डेल्टा, अपना आप सिस्टम बन गया, तो उसमें क्या हो गया, तीन की जगह दो ट्रांसफार्मर बचेंगे ऑपरेशन के लिए, थ्री फेज ऑपरेशन के लिए, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट वोल्टेज वी आई मान लेते हैं, सेकेंड वी वी सी, थर्ड वी सी ए, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई, ठीक है, विद अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी, ये हमने क्या किया, प्राइमरी पर अप्लाई किया, किसमें, ओपन डेल्टा सिस्टम में, ना कि क्लोज डेल्टा में, ठीक है, ओपन डेल्टा सिस्टम मतलब दो ट्रांसफार्मर बचे हैं, ठीक है, तो अप्लाइड ऑफ द फर्स्ट ऑफ द प्राइमरी द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी आर लो वोल्टेज वाइंडिंग फर्स्ट इज वी ए बी, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग सेकेंड
BVC, ठीक है। तो जो दो ट्रांसफार्मर है उनकी प्राइमरी में अपन ने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, 3 वोल्टेज अप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है, प्राइमरी में। अब जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में या फिर लो वाइंडिंग में, ठीक है, तो जो फर्स्ट होगा वो होगा VAB, ठीक है, और जो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन लो वोल्टेज वाइंडिंग, सेकेंड जो लो वोल्टेज वाइंडिंग हो उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो होगा BVC, ठीक है। सो देयर इज नो वाइंडिंग बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ठीक है। इसमें जो पॉइंट ए और सी रहेगा उसके बीच कोई वाइंडिंग नहीं। पॉइंट ए और सी कौन सी, यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ठीक है, डायग्राम में समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो लेट वी ए बी वी बी सी एंड वी सी, अपन ने क्या मानते हैं अप्लाइड वोल्टेज टू प्राइमरी। तो प्राइमरी में अपन देखो ये क्या किया, ये वाला डायग्राम देख लो, या ये वाला देख लो, ये वाला जो सेकंड बी वाला डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो है ये मतलब जब ओपन रिले सिस्टम बचता है तो कुछ इस तरीके से बचता है, ठीक है। तो मेन डायग्राम ऐसा होगा बचेगा जब ये हमने इसको ठीक तरीके से बनाया है, इसलिए वीवी कनेक्शन की तरह ठीक तरीके से इसको बनाया है, ठीक है। मेन डायग्राम यही रहेगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों डायग्राम में से अपन कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम है, बस इसमें क्या होगा एक मैनर में बनाया है, ठीक है, जिसमें अपन ने सब कुछ अच्छे से दिखाया है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें जब ट्रांसफार्मर रिमूव कर देते हैं एक ट्रांसफार्मर, जब दो रिमेनिंग बचते हैं तब उसका ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने अप्लाइड वोल्टेज क्या क्या मानी थी, वी ए बी वी बी सी एंड वी सी, तीन अप्लाइड वोल्टेज अपन ने यहाँ मान ली, प्राइमरी अप्लाइड की, ये होगी प्राइमरी, ठीक है। तो इसमें फेस करंट जाएगा आई वी आई ए ए वाले में, ठीक है, बी लाइन में जाएगा आई बी और सी लाइन में जाएगा आई सी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ट्रांसफार्मर, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी और लो वोल्टेज वाइंडिंग फर्स्ट क्या होगा इज वी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड होगा फर्स्ट में वो क्या होगा वी ए बी, ठीक है, और जो सेकेंड में इंड्यूस होगा वो होगा वी बी सी। देखो द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग सेकेंड इज वी ए बी, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग सेकेंड कौन सी, एक ये है सेकेंड ये है, ये कितनी होगी वी बी सी, ठीक है। और अगर अपन एक, ठीक है, तो ये जो हमारा ये कॉमन फिजिकल डायग्राम है, ठीक है, और ये जो हमारा सिमेट्रिक डायग्राम, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये फिजिकली डायग्राम बना है एक, एक ये और जो बी वाला है ये सेकंड वाला, ये जो हमारा सिमेट्रिक डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सिमेट्रिक डायग्राम में भी देखें या इसमें भी देखें, दोनों में बात एक ही है, बस इसको क्या है ये फिजिकली ये सिमेट्रिक डायग्राम है, ठीक है, एक सही मैंने अपन ने बनाया है। तो इसकी ये हो गई फर्स्ट लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये हो गई सेकंड, फर्स्ट में वी ए बी सेकेंड में वी बी सी इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, देयर इज नो वाइंडिंग बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ठीक है, जो पॉइंट ए और सी है इसके बीच कोई भी वाइंडिंग नहीं है, ठीक है, कोई वाइंडिंग नहीं है, और यहाँ का वोल्टेज क्या रहेगा वी सी ए रहेगा, ठीक है। बट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, दिस वोल्टेज मे बी फाउंड बाय अप्लाइंग के वी एल अराउंड क्लोज पाथ मेड अप ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई वाइंडिंग तो है नहीं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि देयर इज नो वाइंडिंग, ठीक है, बट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, लेकिन पॉइंट ए और सी के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, निकालने के लिए के वी एल लगाते हैं अराउंड क्लोज पाथ मेड अप ऑफ पॉइंट ए बी और सी, ठीक है, जो क्लोज पाथ बना है ए बी और सी से वहां पे अपन के वी एल लगाते हैं इस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, एक क्लोज पाथ में अपन ने यहाँ पे लगाया, तो ये क्या हो रहा है वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, अपन यहाँ पे के वी एल अप्लाई किया। तो यहाँ पे अपन वी सी ए अपन को फाउंड करना है, ठीक है, वी सी ए फाइंड करना है, तो वी सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी ए बी माइनस वी बी सी बचेगा, तो इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है। लेट वी ए बी इज इक्वल टू वी पी जी एंगल 0 डिग्री, ठीक है, हम क्या मानते हैं वी ए बी को रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। तो वी ए बी को अपन क्या लिख दें, वी पी एंगल 0 डिग्री, वी बी सी को क्या लिख दें, ये भी क्या सारे क्या है लाइन वोल्टेज है पहली बात तो, ठीक है, वी ए बी वी बी सी और वी सी ए सारे लाइन वोल्टेज है तो सारे इक्वल रहेंगे, ठीक है, वी ए बी इज इक्वल टू वी बी सी इज इक्वल टू वी सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू वी एल मानेंगे अपन, ठीक है। तो वी ए बी को क्या लिख देंगे, वी पी सॉरी वी सारे क्या है प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज है तो वी पी मानेंगे अपन, वी एल नहीं वी पी मानेंगे, ठीक है। तो वी ए बी
इज इक्वल टू वी वी सी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी पी हो जाएगा। ठीक है, तो वी ए भी इज इक्वल टू वी पी, एंगल जीरो, एंगल जीरो डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि अपन ने रेफरेंस माना है। ठीक है, अब वी बी सी जो है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज में होगा वी बी सी, तो क्या होगा वी पी माइन एंगल माइनस 120 की। ठीक है, और ये वी सी है ऊपर साइड रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, तो प्लस 120 डिग्री। ठीक है, तो वी पी जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है ऑफ द लाइन वोल्टेज ऑन द प्राइमरी साइड। जो वी पी है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है लाइन वोल्टेज का, प्राइमरी साइड का जो लाइन वोल्टेज उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, तो इफ द लीकेज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर आर नेग्लेजिबल, अगर हम क्या कर रहे हैं लीकेज इंपीडेंस को नेग्लेक्ट कर दें, तो वी ए बी जो इंड्यूस्ड है वो क्या हो जाएगा, वी एस एंगल जीरो डिग्री, वी एस मतलब सेकेंडरी का। ठीक है, सेकेंडरी का ये मैग्नीट्यूड होगा, सेकेंडरी वोल्टेज का। ठीक है, तो वी ए बी इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, वी एस एंगल जीरो डिग्री, सेम वी बी सी, वी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस एंगल माइनस 120 डिग्री, जैसा अपन यहाँ पे लगा था वैसी यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे इस वैल्यू को, वी ए बी एंड वी बी सी वैल्यू को, इक्वेशन नंबर इसमें सेकंड में। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन ने किया जैसे सब्सटीट्यूट की वैल्यू, तो वी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वी एस एंगल जीरो डिग्री माइनस वी एस माइनस 120 डिग्री एंगल। ठीक है, माइनस वी एस कॉमन ले लिया, इसको अपन पोलर फॉर्म में ले जाएंगे, पोलर में रेक्टेंगल में ले जाएंगे, तो माइनस वी एस एंगल जीरो डिग्री है तो जी जीरो हो जाएगा, तो माइनस वी एस बचा।